सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 1 अगस्त के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार को। तो अभी हाल ही में राजीव कुमार को वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनसे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी कौन थे? तो आंसर होगा सुभाष चंद्र गर्ग थे। पर आपको पता होगा, अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि सुभाष चंद्र गर्ग को ऊर्जा सचिव पावर सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब वित्त सचिव कौन बन गए हैं? राजीव कुमार का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? के नटराजन, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने ये। ऑप्शन सी है पी के सेकिया, अरुणाचल प्रदेश के लोकायुक्त बने ये। ऑप्शन डी क्या है? नलिन सिंगल, भेल के MD CEO बने। कौन? नलिन सिंगल। अच्छा, वित्त मंत्री कौन है हमारी? तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रियदर्शनी जैन को। तो अभी ब्रिटिश संसद के उच्च सदन यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में फैशन डिजाइनर और सोशल वर्कर प्रियदर्शनी जैन को इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस मौके पर प्रियदर्शनी जैन ने भारत की सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक के रूप में दुनिया भर में 50 सबसे प्रभावशाली भारतीय महिलाओं पर कॉफी टेबल बुक को लॉन्च भी किया है, जिसमें दुनिया भर की तमाम असरदार महिलाओं को शामिल किया गया है। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? एनी जेदी, प्रतिष्ठित पुस्तक पुरस्कार 9 डॉट्स इनको मिला था। ऑप्शन सी क्या है? जोखा अलार्थी, 2019 का मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार इन्हें मिला था इनके उपन्यास के लिए। क्या नाम था इनके उपन्यास का? सेलेस्टियल बॉडीज। अगला है एन कुमार, बागवानी पुरस्कार इनको मिला था। तो इस प्रश्न से प्रियदर्शनी जैन का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने पिंक कोच शुरू किए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ने। तो भारतीय रेलवे में महिलाओं को सुरक्षित और आरामदेह यात्रा मुहैया कराने के लिए पिंक कोचेस की शुरुआत की गई है। तो रेलवे की नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ने यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन ने इसकी शुरुआत की है। और इन पिंक डब्बों में केवल महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सुरक्षित व आरामदायक यात्रा कर सकेंगी। अच्छा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन ने इसकी शुरुआत की है ना, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का, अंग्रेजी में बोलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का, तो इसका हेडक्वार्टर है मालीगांव गुवाहाटी में। अच्छा, रेलवे मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC ने 2019-20 के लिए एलीट पैनल में कितने नए अंपायरों को शामिल किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 को। तो अभी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंग्लैंड के माइकल गफ और वेस्ट इंडीज के जॉयल विल्सन को 2019-20 के लिए अंपायरों की अमीरात ICC एलीट पैनल में शामिल किया है। बात ICC की है तो इसके बारे में जानो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म हो गई, हेडक्वार्टर इसका दुबई UAE में है, चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके CEO जो कि अभी बने थे नए, कौन? मनु साहनी है। अच्छा, ICC समिति के अभी प्रमुख कौन बने? एहसान मणि बने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ICC ने अभी जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को सस्पेंड कर दिया था, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 6वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। और ICC टेस्ट बल्लेबाजों के रैंकिंग आई थी, उसमें फर्स्ट पे अभी कौन है? विराट कोहली है। और अगर टीम की बात करेंगे ना, तो फर्स्ट नंबर पे भारत है, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड और थर्ड नंबर पे साउथ अफ्रीका है। अच्छा देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बताऊँ, तो अभी भारतीय टेस्ट के सलामी बल्लेबाज कौन? पृथ्वी शॉ को डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर BCCI ने 15 नवंबर तक के लिए उन्हें निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेघालय में। तो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इस बार 8 से 9 अगस्त तक मेघालय के शिलोंग में होगा। और नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में पहली बार इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, इस सम्मेलन की थीम भी है,
क्या है डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस, हिंदी में बोलेंगे तो डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्टता की ओर, और इसका आयोजन कर कौन रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेघालय सरकार, ये दोनों मिलकर के इसका आयोजन करेंगी। अब मेघालय में होगा, तो ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल क्या है, शिलोंग है। गवर्नर है तथागत रॉय। मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड संगमा है। अच्छा चलो आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अभी कुछ समय पहले अपन ने पढ़ा था कि इस साल दिसंबर में 2020 में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में आयोजित होगी, तो हैंड इन हैंड भारत चाइना के साथ एक्सरसाइज करता है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये होगी कहाँ पे, तो आंसर होगा मेघालय में होगी, मेघालय के उमरोई में होगी। और अभी आपको याद होगा कि मेघालय राज्य जल नीति बनाने वाला पहला राज्य बना था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021 में कहां पे खेले जाएंगे, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। तो ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला एडिशन है और ये अभी 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जो जून 2021 तक चलेगी, और इसका जो फाइनल है ना वो जून 2021 में ही क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा, जो आपके इंग्लैंड में है। अच्छा देखो, आप मुझे बताओ कि अभी आईसीसी वर्ल्ड कप हुए थे ना, कौन सा एडिशन हुआ था, 12वां एडिशन हुआ था, कहाँ पे, इंग्लैंड और वेल्स में। किसने जीता, इंग्लैंड ने ही जीता है, और पहली बार जीता है। किसको हराया था, इनको हराया था। अब आप मुझे बताओ कि अगला जो होगा वो कौन सा एडिशन होगा, 13वां एडिशन कहाँ पे होगा, तो वो इंडिया में होगा, 2023 में होगा इंडिया में। अब इस प्रश्न का उत्तर है इंग्लैंड, तो ये रहा मैप में इंग्लैंड। कैपिटल क्या है, लंदन है। यहाँ से मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लंदन में है। अच्छा करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है। और अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नए कौन बन गए हैं, जॉनसन बन गए हैं। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो आंसर क्या दोगे, इंग्लैंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज पर आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तब भी आप आंसर क्या दोगे, इंग्लैंड। दूसरा कौन सा बना है, आयरलैंड बना है। अच्छा लंदन जो शहर है ना, पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू करने वाला पहला शहर बना है, ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंफोसिस ने कहां पे साइबर डिफेंस सेंटर लॉन्च किया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है, रोमानिया में। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी है इंफोसिस, और इसने रोमानिया के बुकारेस्ट में साइबर डिफेंस सेंटर स्थापित किया है। तो अब इस साइबर डिफेंस सेंटर की मदद से यूरोपियन और वैश्विक कंपनीज को रियल टाइम 24/7 साइबर सुरक्षा निगरानी प्रदान करेगा कौन, इंफोसिस। बात इंफोसिस की हुई है तो इसके बारे में जान लो कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके चेयरपर्सन कौन है, नंदन नीलेकनी, और इसके एमडी सीईओ कौन है, सलील पारीख है। अच्छा रोमानिया में कराया ना, तो ये रहा मैप में रोमानिया। कैपिटल है बुचारेस्ट, करेंसी है लीव। बढ़ते आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से R-27 मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए समझौता किया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रशिया। तो भारतीय वायुसेना ने रूस से 1500 करोड़ रुपए की R-27 मिसाइल्स खरीदने के लिए समझौता किया है। अच्छा ये जो R-27 मिसाइल्स है ना, ये एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जिसे आप 25 किलोमीटर की ऊंचाई से 60 किलोमीटर के रेंज तक लॉन्च कर सकते हो। अच्छा इन मिसाइल्स को मिग और सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों में तैनात किया जाएगा। अच्छा देखो इसी के साथ मैं आपको यहीं पे बता दूं कि अभी भारतीय नौसेना में LCU यानी कि लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L-56 जहाज को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। अच्छा बात नौसेना की हुई है और वायुसेना की हुई है, तो हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, बीरेंद्र सिंह धनोआ है। हमारे नेवल चीफ कौन है, करमबीर सिंह है। अच्छा आर्मी चीफ भी देख लो कौन है, बिपिन रावत है। अच्छा रशिया से खरीदेंगे ना हम R-27 मिसाइल्स, तो रशिया कहाँ है, ये रहा मैप है रशिया। कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और प्रधानमंत्री है दमित्री मेदवेदेव। अच्छा रशिया की संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपको पता है कि 19 SCO समिट कहाँ पे हुई थी, आपकी बिश्केक में हुई थी। अब जो 20वीं SCO मीटिंग होगी ना, वो कहाँ पे होगी, तो आंसर होगा रशिया में होगी। अच्छा दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकल झील है, बेकल लेक है, और ये कहाँ पे आपकी, रशिया में है। बढ़ते हैं आगे।
तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने भारत में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? उद्यमियों यानी कि बिजनेस वुमेन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्हाट्सएप के साथ। तो देश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने नीति आयोग के साथ साझेदारी की है। तो अब व्हाट्सएप नीति आयोग के साथ मिलकर के महिला उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए साल भर कार्यक्रम चलाएगी। इसके अलावा नीति आयोग के वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार 2019 की विजेताओं को व्हाट्सएप $1,00,000 की सहायता भी देगी। अच्छा, नीति आयोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनेगा, इसके बारे में जानो। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है नीति की? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और इसके CEO का नाम इम्पोर्टेंट है, क्या है? अमिताभ कांत है। अच्छा, इम्पोर्टेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि अभी इनका कार्यकाल जून में ख़त्म हो गया था, तो इनका कार्यकाल अब बढ़ा करके 2021 जून तक कर दिया गया है, तो इनका नाम आप याद रखना। अच्छा देखो, अभी नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स जारी किया था, और उसमें टॉप पे कौन सा राज्य था? आपका केरल था। बढ़ते आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के सियालकोट में किस 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पहली बार पूजा के लिए खोल दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्वाला तीर्थ सिंह मंदिर को। तो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के जो हिंदू समुदाय है ना, उनकी मांग पे भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था ना, उसके बाद पहली बार पूजा के लिए सियालकोट में इस 1000 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर को खोल दिया है। अच्छा, ये कहां से पता लगता है कि ये जो मंदिर है 1000 वर्ष पुराना है? तो लेखक है राशिद नियाज, उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ सियालकोट, और उसके मुताबिक ये मंदिर 1000 साल पुराना है। बात पाकिस्तान की हो रही है, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है और प्रधानमंत्री इमरान खान है। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है ना, उसे क्या कहते हैं? डुरंड लाइन कहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा, पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, अभी पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके प्रमुख कौन बने? फैज हमीद बने। ISI मतलब इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। अच्छा, हमारी जो खुफिया एजेंसी है कौन सी? रॉ। उसके भी तो अभी नए प्रमुख बने थे। कौन बने थे? सामंत गोयल। ये भी आप याद रखना। अच्छा, एशिया कप क्रिकेट 2020 की मेजबानी कौन करेगा? होस्ट कौन है? तो आंसर होगा पाकिस्तान है। और अभी पाकिस्तान की शाहीन 11 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था पाकिस्तान ने। अच्छा, शाहिद अफरीदी की अभी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या है? गेम चेंजर है। और शोएब मलिक ने अभी ODI क्रिकेट से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। बढ़ते आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वेणुगोपाल राव। तो टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज हैं वेणुगोपाल राव, और उन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये जो वेणुगोपाल राव है ना, आंध्र प्रदेश की ओर से भारत के लिए खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी थे, और इन्होंने भारत के लिए टोटल 16 वनडे मैचेस खेले हैं। अच्छा, वेणुगोपाल राव ने तो संन्यास की घोषणा कर दी है, इनके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। अभी फ्रांस के पूर्व डिफेंडर कौन? पैट्रिस एवरा। क्या नाम है? पैट्रिस एवरा ने भी सेवानिवृत्ति यानी कि संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो इनका नाम भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर का निधन हो गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुबीर गोकर्ण का। तो अभी RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट सुबीर गोकर्ण का हाल ही में निधन हो गया है। ये जो सुबीर गोकर्ण है ना, अपने समय में सबसे कम आयु के RBI गवर्नर थे, और इन्हें 2015 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अच्छा, सुबीर गोकर्ण के अलावा एक और नाम मैं आपको बताऊंगा, अभी कैफे कॉफी डे श्रृंखला के संस्थापक VG सिद्धार्थ का भी निधन हो गया है। एक्चुअली इन्होंने सुसाइड कर लिया। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर था ऑप्शन ए, VK जौहरी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और बहुत सो ने तो ये जो ऑप्शन होते हैं ना, इनको भी बताया है कि ये कौन कौन क्या क्या है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी हैबिट डेवलप्ड हो रही है आप लोगों के अंदर।
अच्छा, अब हमेशा की तरह मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो ये रहे प्रश्न आपके सामने, वीडियो को पॉज करिए और इनको सॉल्व करिए। तो उम्मीद करूंगा वीडियो को पॉज करके आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। मैं आपको इनको सॉल्व कराता हूं, पर यहां पे नहीं, पजल वाले वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे और इसी तरह से पुराने महीने के करंट अफेयर्स का भी हम रिवीजन करेंगे और उसके साथ साथ कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन भी लेंगे, पर सब हम करेंगे इस पजल वाले वीडियो में। और आप मान के चले 10 मिनट के अंदर अंदर हम लगभग 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा पजल वाला वीडियो, डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हो। अच्छा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो न्यू गवर्नर वाले ट्रिकी वीडियो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और उसका फ़ायदा बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करा करिए। शेयर करने के लिए आप अपना फेसबुक, अपना व्हाट्सएप ग्रुप इसे शेयर कर सकते हैं और मेरी हेल्प कर सकते हैं इसे शेयर करने में। तो चलिए मिलते हैं पजल वाले वीडियो में।